पंजाब में पतंगबाजी पर काबू ना पाया जा सका। समुद्री में पुलिस पतंगबाजी को रोकने में नाकाम है। गले में धाती दौर फिरने से 22 साला एजाज जख्मी हो गया। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब में पतंगबाजी पर काबू ना पाया जा सका। समुद्री में पुलिस पतंगबाजी को रोकने में नाकाम हो गई है। गले में धाती दौर फिरने से 22 साला एजाज जख्मी हो गया है, जबकि जख्मी को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब में पतंगबाजी पर काबू ना पाया जा सका। पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि समुद्री में गले में धाती दूर फिरने से 22 साल एजाज जख्मी हो गया है और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, वकास जमील हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आगाह कीजिएगा इस वाक्य के हवाले से। बिल्कुल जी, समंदरी इंतजामिया जो है वो पतंगबाजी को रोकने में नाकाम होती हुई नजर आ रही है कि समंदरी में पतंगबाजी को रोका नहीं जा सका और 22 साल नौजवान जो है वो, जिसका नाम एजाज है, वो मोटरसाइकिल पर जाते हुए धाती दौर फिरने से जख्मी हो चुका है, जिसको सिविल अस्पताल समंदरी जो है मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन इंतजामिया पाबंदी के बावजूद जो है वो पतंगबाजी को रोकने में नाकाम होती हुई नजर आ रही है। पतंगबाजी भी हो रही है और पतंग फरोशों को भी जो है वो रोका नहीं जा सका। इसी सिलसिले में जो है वो एक नौजवान मोटरसाइकिल पर जाते हुए जख्मी हुआ, जिसको सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया गया और उसको तिबी इमदाद जो है वो दी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका।